नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक नया स्टॉक और उस नए स्टॉक्स में जानने की कोशिश करेंगे कि कहां पे हम लोग उसके अंदर एंट्री कर सकते हैं, कहां पे हम अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और कहां पे मैं अपना उसमें टारगेट लगा सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक निफ्टी का एनालिसिस आपके साथ कर देता हूं कि आने वाले टाइम में कौन सा निफ्टी का निफ्टी कहां तक रहेगा, क्या उसके चांसेस हैं, कहां बियरिस है, कहां बुलिस है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और एक छोटी सी मैं बात बताता हूँ कि मैं थोड़ा सा वीडियो डालने में डिले हुआ हूँ, उसके लिए आप सबसे मैं सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत थी वो ख़राब हो गई थी, तो रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लगा। तो उसके लिए आप सभी ने मेरा साथ दिया, आप सभी मेरे चैनल पे बने रहे हो, उसके लिए मैं आपका सभी का तहे दिल से हार्दिक शुक्रगुजार करता हूँ। तो चलिए आज शुरू करते हैं एक बार फिर से एक नई जर्नी। तो देखिए, सबसे पहले मैं आ गया हूँ निफ्टी के मंथली चार्ट पे। जैसा कि हमारा निफ्टी का जो मंथली चार्ट है वो ओवरऑल एक नई हाइट्स लेते जा रहा है, ओवरऑल एक नई हाइट्स लेते जा रहा है और धीरे धीरे करके एक नया हाई बनाता जा रहा है। तो अभी तक का जो ऑल टाइम हाई है, निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो 22,775.70 रुपये, निफ्टी का ऑल टाइम हाई है 22,775.70 रुपये, ये निफ्टी का ऑल टाइम हाई है। अब निफ्टी का मंथली चार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो कुछ इस तरीके का आपके साथ दिखाई दे रहा है। अभी तक के सिनेरियो के हिसाब से ये लग रहा है कि निफ्टी कहीं ना कहीं एक छोटी कैंडल बना रहा है, यानी कि ये जो बियरिस अपन को देखने को मिला है, ये जो एक करेक्शन अपन को देखने को मिला है काफ़ी दिन बाद, यानी कि अगर मैं काउंट करूं तो यहां से देखिए आप 1, 2, 3, 4, 5 पाँच महीने बाद इसमें करेक्शन देखने को मिला है मंथली चार्ट पे। पाँच महीने कंटिन्यूसली एक नया हाई अपना जो निफ्टी है वो बना रहा है। अब देखिए, यहाँ से कुछ चीज़ें चल रही हैं, यहाँ से इसने डोजी कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया। शुरू में एक छोटी डोजी बनी, उसके बाद उससे छोटी, उससे बाद उसके बड़ी। अब देखना है कि ये जो मंथली कैंडल है ये ग्रीन में क्लोज होगी या फिर रेड में क्लोज होगी। अगर छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं बात करूँ तो ये कैंडल रेड के अंदर क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी के अंदर एक शार्प करेक्शन आया है। फिलहाल मंथली चार्ट है वो इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक नया हाई बनाता जा रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग वीकली चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। जैसा कि वीकली चार्ट आपकी स्क्रीन पे मैंने लगा दिया, तो वीकली चार्ट कुछ इस तरीके से बन के हमारे पास आ गया, और इस वीकली चार्ट का हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, निफ्टी ने आज जो ऑल टाइम हाई आज का मतलब पहले से ऑल टाइम हाई जो निफ्टी ने लगाया वो ये वाला है 22,775.50 रुपये। लेकिन निफ्टी को यहाँ पे एक सपोर्ट मेरे को दिखाई दे रहा है, ये वाला सपोर्ट 21,710 रुपये का सपोर्ट है, ये मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर निफ्टी यहाँ से वीकली चार्ट के अंदर ये यहाँ से इस लेवल को इसने तोड़ा तो हो सकता है और भी नीचे के लेवल दिखाई दें। लेकिन यहाँ से देखिए, ये यहाँ पे एक वीकली चार्ट में एक हैमर बन गया, वीकली चार्ट में एक हैमर बन गया, लेकिन हैमर बना है वो रेड कैंडल के साथ बना है। तो फिलहाल जो कंडीशन है हमारी, अनसर्टेनिटी है, जो मार्केट में जो एक रूमर फैला हुआ है वो अनसर्टेनिटी का है कि फिलहाल के लिए नो ट्रेड जोन बता, मेरे लिए तो नो ट्रेड जोन है, बाकी आपके लिए मैं कुछ बता नहीं सकता। तो ये जो एक लेवल के बीच में निफ्टी यहाँ से फंस गया है कि नीचे का जो लेवल है 21,710 का और ऊपर का जो लेवल है 22,775 का। अब और थोड़ा सा अपन डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, तो ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद मैं कुछ इस तरीके से देख पा रहा हूँ कि एक काफ़ी बड़ी रेंज हो गई है, लगभग 1000 पॉइंट की यहाँ पे एक रेंज हो गई, और 1000 पॉइंट की रेंज होने के साथ साथ ये अपन को क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये एक लेवल यहाँ से बना हुआ है 22,710.20 रुपये का, ये एक लेवल बना हुआ है। अगर इसके नीचे निफ्टी ब्रेक करता है, इसको ब्रेक डाउन देता है, तो शायद हो सकता है कुछ करेक्शन हमें और देखने को मिले। लेकिन अगर वापस ये बाउंस बैक करता है कैंडल के हिसाब से, तो ये लग रहा है कि वापस बाउंस बैक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे निफ्टी ने कुछ गैप्स छोड़ दिए, निफ्टी ने यहाँ पे कुछ गैप छोड़ दिए, वो गैप मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये वाले कुछ गैप्स इसने छोड़ दिए। तो ये गैप है, ये निफ्टी वापस फिल करेगा, इसको डेफिनेटली ऊपर जाना है तो फिल करके ही जाएगा। तो थोड़ा सा और मैं इसके टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ, तो 75 मिनट के चार्ट पे मैं आ जाता हूँ।
और 75 मिनट का चार्ट भी हमें यही बोल रहा है कि फिलहाल निफ्टी के अंदर कोई भी लोअर लो नहीं बना है। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये हमारा एक मेजर लेवल है और मेजर लेवल के बाद ये एक लेवल और हमें दिखाई दे रहा है जो कि छोटा 21,500 का लेवल है। लेकिन यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली क्या हुआ था, छोटे टाइम फ्रेम पे देखिए निफ्टी की जो ओपनिंग थी वो गैप डाउन ओपनिंग थी और उसके बाद एक ही दिन में ये बड़ी रैली बना के और एग्जैक्टली उसी लेवल पे पहुंच गया जहाँ पे इसने प्रीवियस डे क्लोज किया, प्रीवियस वीक क्लोज किया था। तो अभी अल्टीमेटली ये देखना है अपन को कि ये एक रेंज बनी हुई है, ये वाली एक रेंज बनी हुई है। तो इस रेंज के अंदर निफ्टी फंसा हुआ है, ये वाली एक रेंज बनी हुई है, इस रेंज के अंदर निफ्टी फंसा हुआ है। अगर इस रेंज को ये ब्रेक करता है, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर इस वाली रेंज में, इस वाली रेंज के हिसाब से निफ्टी अगर यहाँ के इसके ऊपर क्लोज करता है तो ऊपर के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अगर 21,710 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर बियरिश चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर इसी जोन के अंदर ये घूमता रहा तो निफ्टी ये मान के चलिए साइडवेज यहाँ से हो गया। तो ये था मेरा निफ्टी का एक छोटा सा ब्रीफ एनालिसिस। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए, मेरा निफ्टी का एनालिसिस करने का तरीका पसंद आए आप लोगों को, तो मेरे वीडियो को आप प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को देखिए ताकि आप लोग भी सीख सको कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है। तो चलिए ये तो था मेरा निफ्टी का एनालिसिस और आज का जो मेरा लेटेस्ट वीडियो का जो एनालिसिस करके मैं आपको बता रहा हूँ कि कहाँ कौन सा स्टॉक्स रहेगा, तो मैं आपकी स्क्रीन पर वो स्टॉक्स लगाता हूँ। तो चलिए, हाँ उससे पहले एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ एक बार दोबारा मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक का बटन दबा ही दीजिए ताकि आप लोगों को भी ये पता चल सके कि यार मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कैसे करते हैं कि और ट्रेड कैसे निकालते हैं, एंट्री कहाँ करेंगे अपन, एग्जिट कहाँ करेंगे और अगर स्टॉक्स अपने अगेंस्ट जाएगा तो अपन उसमें से एग्जिट करके कहाँ निकलेंगे, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बोलता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का मेरा जो स्टॉक्स है वो है इंडस टावर। मेरा जो स्टॉक्स है मैंने लगा दिया आपकी स्क्रीन पे इंडस टावर और मंथली चार्ट के साथ मैं ओपनिंग कर रहा हूँ यहाँ स्टॉक्स की इंडस टावर। तो देखिए ये वाला जो इंडस टावर है कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपने साथ अपने पास ये मान के चलिए यहाँ पे अपन को देखने को मिल रहा है। तो देखिए शुरू में 2003 के बाद काफ़ी अच्छी रैली इसने दी थी, स्टॉक्स 120 रुपये से लगभग 500 रुपये पहुँच गया था। उसके बाद एक शार्प करेक्शन आया लगभग ये मान के चलिए करीबन 2015 के से 2020 तक का एक शार्प करेक्शन आया। उसके बाद दोबारा इंडस टावर ने एक नई रैली शुरू की है। तो सबसे पहले मैं इसका ऑल टाइम हाई आपके सामने मार्क कर देता हूँ। तो ये वाला ऑल टाइम हाई मैंने यहाँ पे आपके सामने मार्क कर दिया है जो कि अप्रोक्सीमेट लगभग 500 रुपये का ऑल टाइम हाई अभी तक इसका 500 रुपये का ऑल टाइम हाई है। एक और पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है, ये वाला पॉइंट मुझे और दिखाई दे रहा है। तो मेरे लिए ये जो ऊपर की तरफ ये बन गया एक तरह से डिमांड जोन, ये बन गया मेरे लिए ऊपर की तरफ से एक डिमांड जोन। अगर मैं ऊपर से एक लाइन को ड्रॉ करूँ, ट्राइंगल लाइन को मैं ड्रॉ करता हूँ तो मेरी लाइन कुछ यहाँ मेरे को मिलती है लगभग 420-30 के नियर मेरे को एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन मिलती है। लेकिन मैं यहाँ से एक चीज़ और आपको मैं दिखाऊं कि ये वाला एक ब्रेकआउट अगर मेरे को मिलता है मंथली चार्ट पे, ये वाला ब्रेकआउट मेरे को मंथली चार्ट पे मिलता है तो ये मान के चलिए कि काफ़ी मेरे लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। लेकिन फ़िलहाल तो अपन कुछ कह नहीं सकते कि बनेगा कि नहीं बनेगा, हो सकता है फेल भी हो जाए। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर होगी, अगर बनेगा तो फिलहाल के लिए मंथली चार्ट पे यहाँ कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक पैटर्न का ब्रेकआउट भी अपन को देखने को मिल रहा है कि मेरी तो जो आईज हैं वो देख ही पा रही हैं कि डबल टॉप का पैटर्न यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। तो चलिए कुछ नहीं मिला यहाँ पे तो वीकली चार्ट पे जाते हैं अपन। तो वीकली चार्ट पे अपन को देखने को क्या मिलेगा, लेवल्स हमारे वो तो सारे के सारे एज इट इज जो हैं वैसे के वैसे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि इंडस टावर ने वीकली चार्ट पे एक अच्छा खासा बहुत शानदार ब्रेकआउट अपन को दे दिया।
बड़ी कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं इस स्टॉक्स में एक बेहतरीन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक्स के अंदर घुसने की। देखिए डबल टॉप तो यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है मेरे को, और एक तरफ मेरे को दिखाई दे रहा है राउंड बॉटम पैटर्न है उसका ब्रेकआउट मेरे को दिखाई दे रहा है। तो आपको जो मानना आप मान लीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपन को दो दो पैटर्न्स के ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को अपन को मिल रहे हैं। एक बार यहाँ पे अपन वॉल्यूम्स को भी चेक करते हैं कि डिलीवरी कितनी क्या होगी। तो डिलीवरी देखिए कंटिन्यूअसली जब से स्टॉक्स ने बढ़ना शुरू किया तो वहाँ से कंटिन्यूअसली डिलीवरी यहाँ पे बढ़ रही है, क्योंकि ये जितने भी सारे बार्स खड़े हुए हैं ये सारे के सारे डिलीवरीज के बारे हैं। और अभी देखिए लास्ट कितने दिन से, लास्ट लगभग 1-1.5 महीने से इसके अंदर डिलीवरी काफ़ी अच्छी डिलीवरी यहाँ पर पहुँच गई है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि इस हिसाब से भी मेरे लिए काफ़ी बेहतरीन एक, ये मान के चलिए कि एक नया नया मेरे लिए इंडिकेशन है कि इसके अंदर जो डिलीवरी है वो काफ़ी हद तक इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हमें डिलीवरी की देखने को मिली है। लोगों ने इसको भर भर के बाय किया है, तो ये मान के चलिए ऊपर तो ये जाना ही जाना है, क्योंकि 7% पिछले वीक में क्लोजिंग दी इसने और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया है, तो कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा जाएगा। अब सोचना ये है कि इस स्टॉक्स ने ब्रेकआउट तो दे दिया, तो ब्रेकआउट देने के बाद इस स्टॉक्स के अंदर मैं एंट्री कहाँ पे करूँगा, फिर मेरा टारगेट क्या रहेगा और फिर मेरा एग्जिट पॉइंट क्या रहेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरा जो एंट्री पॉइंट है इसी स्टॉक्स में लगभग लगभग 340 रुपये अगर मेरे को मिलता है ये स्टॉक्स, अगर इंडस टावर मेरे को 340 रुपये में मिलता है कहीं ना कहीं, तो मैं इस स्टॉक्स के अंदर ही अपनी एंट्री कन्फर्म करूँगा। और उसके बाद स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करके चलता हूँ मैं, वो भी ज़रूरी है, बहुत ट्रेड से ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्टॉप लॉस मैं ये मान के चलता हूँ कि ये एक कैंडल थी प्रीवियस कैंडल, और प्रीवियस कैंडल ने इसको जस्ट टच किया है, तो मैं मेरा जो स्टॉप लॉस है मैं ये मानूंगा इसको 316 रुपीज अप्रॉक्सीमेटली 15 रुपये का रिस्क है, अप्रॉक्सीमेटली ज़्यादा नहीं है 15 रुपये का रिस्क है। और यहाँ से फिर मेरे को कोई हायर लो भी दिखाई दे नहीं दे रहा नियरेस्ट, तो ये मान के चलिए बहुत एक छोटी सी रिस्क है, और छोटी सी रिस्क के साथ मेरा जो रिवॉर्ड है वो काफ़ी बड़ा है, क्योंकि यहाँ इस लेवल के बाद आप देख ही पा रहे हो इसके बीच में कोई भी किसी भी तरीके का कोई हर्डल नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो अल्टीमेटली 480 तक को तो 480 तक स्टॉक्स को तो आना ही आना है। तो अपना जो टारगेट हो गया वो 480 रुपये का हो गया, एंट्री पॉइंट 340 रुपये हो गया, और अपना स्टॉप लॉस है वो 315 रुपये लगभग अपना बैठता है। तो इसी तरह इस चीज़ों को मैं प्लान करके चलता हूँ, और अगर इनकेस फ्यूचर में ये 500 के ऊपर ब्रेकआउट देता है एक सिंगल कैंडल के साथ, हो सकता है तो फिर एक नया वीडियो के साथ मैं रिप्रेजेंट करूँगा कि इसी स्टॉक्स को कहाँ तक होल्ड करना चाहिए। तो ये था आज का मेरा इस स्टॉक, एक डिस्क्लेमर यहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये मेरी किसी भी तरीके की कोई भी बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप किसी भी तरीके की इसमें एंट्री करते हो और अगर आपका प्रॉफिट होता है या फिर आपका लॉस होता है, तो मैं या मेरा चैनल किसी भी तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। मैं ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको सिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कोई मैं डायरेक्टली ट्रेड यहाँ पर किसी कुछ तरीके का मैं नहीं दे रहा, और अगर आप उसको लेते हो तो ये आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी। दूसरी मैं बात बताता हूँ कि अभी तक आपने मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई साहब कम से कम सब्सक्राइब करिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, और मेरी जो प्राइस एक्शन का जो टेक्निक है उसको सीखने की कोशिश करिए कि कहाँ हम लोग किस तरीके से प्राइस एक्शन काम में लेते हैं, कि कोई भी चार्ट पे इंडिकेटर नहीं होता फिर भी हम लोगों की ट्रेड वो कन्फर्म होती है। तो ये मान के चलिए कि हमारे लिए द बेस्ट है। तो इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।